मैं ज़्यादा से ज़्यादा गांव में रहता हूँ, इसलिए गांव का लाइफस्टाइल से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। जैसे गांव का लाइफस्टाइल बहुत सिंपल है और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं डेवलप हुई है, फिर भी उन लोग जितना भी हो सकता है या जो भी हो मिलता है वो चीज़ से जी रहे हैं। तो ऐसी चीज़ अभी जापान में नहीं हो रहा है। जापान तो डेवलप हुआ है, लेकिन इसके इसलिए ऐसे टफनेस जो है ना, या नॉलेज ऑफ लाइफ अभी डिसअपीयर हो जा रहा है। तो ऐसे चीज़ गांव में रखने से बहुत कुछ मुझे मिल रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। My name is Kazunori Hamao from World Art Project. तो World Art Project ने 5 साल से आर्ट प्रोजेक्ट इंडिया में चला रहे हैं। हम लोग का प्रोजेक्ट जो है, स्कूल का दीवार पर कलाकार लोग ने मोर पेंटिंग बनाएंगे, या कलाकार के साथ में जहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं उधर का लाइफ स्टाइल या संस्कृति को फोकस करके कुछ चीज़ निकल के वो कलाकार लोग ने एक्सप्रेस करते हैं। तो ऐसे आर्ट वर्क को हम लोग जो भी को देखना चाहते हैं उन लोगों को एक्सप्रेशन करते हैं, दिखाते हैं। तो चिल्ड्रेन जो है अभी बच्चा में फैल रहे हैं, तो एक्चुअली कलाकार लोग स्कूल में आने के बाद में क्लासरूम के अंदर में रोज दिन बच्चा के सामने आर्टवर्क बनाते हैं। तो 2 हफ्ते से 1.5 महीना लगा करके पेंटिंग बनाते हैं, तो उसके दरमियान बच्चे लोग कलाकार का पेंटिंग वर्क देखते हैं। तो मतलब कैसे पेंटिंग करते हैं वो तरीका तो नहीं, बल्कि कितना पैशन के साथ में कलाकार लोग ने पेंटिंग बनाते हैं वो बच्चे लोग के दिल तक पहुंच जाते हैं। तो उसके सिर्फ बच्चे लोग को इंटरनल चेंजेस बहुत होता है। जैसे ज़्यादा बच्चे को पेंटिंग करना बहुत पसंद आ गए, या डांसिंग या सिंगिंग करने में भी बहुत एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। और कलाकार लोग तो जीरो से नया पेंटिंग बनाते हैं ना, तो ऐसे क्रिएशन के सिर्फ बच्चे लोग को जीरो से कुछ बनाने का एक अचीव करने का मन बहुत करता है, तो वो इंटरनल चेंजेस है। और हमारे प्रोजेक्ट के लिए जापान से काफ़ी लोग आते हैं, तो बच्चे को ऐसे दूसरे जगह के लोग से बातचीत करने में बहुत कॉन्फिडेंस लग जाते हैं। स्कूल में एक्सप्लेन करते हैं तो बाहर से लोग भी देखने के लिए आते हैं, और उन लोग को पता चलता है कि अभी गांव का लाइफस्टाइल कैसे हैं, मतलब गांव लोग कैसे रहते हैं या गांव का दिक्कत क्या है वो भी पता चलता है। तो इसके सिर्फ हम लोग ने गांव का स्थिति को और अच्छा करना चाहते हैं। तो इसी के लिए जैसे महाराष्ट्र का गवर्नमेंट से भी ऑफिसर आते हैं, या धानु थरका से भी लोग आते हैं, या लद्दाख में भी उधर का लोकल गवर्नमेंट का ऑफिसर आते हैं, या जापान का कॉन्सुलेट जनरल ऑफ जापान मुंबई उधर से भी ऑफिसर आते हैं देखने के लिए। तो उन लोग को पता चलता है इंडिया का संस्कृति क्या है, मतलब कैसे हैं। बोरात प्रोजेक्ट जो है, हम लोग आर्ट का शक्ति, पावर ऑफ आर्ट बच्चे को बताना चाह रहे हैं, या इंडिया में ये प्रोजेक्ट करने से ज़्यादा बहुत कारा के सिर मिल रहे हैं। तो जो भी हो मिलता है वो पैसा की कीमत में कुम्बात नहीं कर सकते हैं, फिर भी वही कि आर्ट का कीमत है, तो वो चीज़ या दुनिया में बताना चाहते हैं। इसलिए हम लोग इंडिया में ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं, और वही हम लोग के लिए एक फायदा है। और दूसरे पर्सनली कहेंगे तो मैं ये प्रोजेक्ट से काम करने से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। जो चीज़ जापान में रखते हैं तो नहीं सीख सकते हैं, वो चीज़ इंडिया में रखने से सीख सकते हैं। तो इसलिए मैं इंडिया में ये प्रोजेक्ट 6 साल से कर रहा हूँ। और हम लोग ने ये प्रोजेक्ट के थ्रू जो फायदा हुआ वो या दुनिया को और बताते रखना चाहते हैं। मैं 6 साल से इंडिया में रहता हूँ, और 3 साल से बिहार में रहते थे। तो प्रोजेक्ट चालू करने के पहले मुझे हिंदी सीखने का जरूरत था, तो मैं गांव में बैठ करके गांव वाले के साथ साथ बातचीत किए,
और जो भी उन लोग बोल रहे थे वो सुनने के लिए कोशिश किए थे, तो जो भी हो मुझे दिमाग में आए तो वो प्रयोग करके आउटपुट करके गांव वाले के साथ में बात करते थे, तो इसी तरह से मुझे हिंदी आ गई। इसलिए जब मैं दिल्ली में आते हैं या मुंबई में आते हैं और हिंदी में बात करते हैं तो लोग मुझे पूछते हैं कि आप बिहार में रहते थे क्या, तो मतलब मेरे हिंदी उधर के जैसे सुनने में आता है, इसलिए ऐसे पूछ रहे हैं।